मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा उस काम में लगा। आपको मन में हमेशा अशांति रहती है, चिड़चिड़ होती रहती है। ये एक मेथी का दाना 23 लोगों में काम आता है, और मेथी का दाना दो ही प्रकृति के लोगों के लिए, वो ध्यान से सुन लें, जिनको वात और कफ प्रकृति है वही मेथी दाना ले सकते हैं, जिनको पित्त प्रकृति है गलती से भी नहीं लेगा, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। माने आपको पेट में जलन होती है, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती है, तो कभी भी मेथी दाना नहीं खाना, नहीं तो और ज्यादा होगा। आपको अगर ये पित्त छोड़कर वात और कफ है, भरपूर मेथी दाना खाओ। अब मेथी दाने का वो नियम बताते हैं कि रात को 2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, सुबह उठकर पानी को घूट घूट करके पी लीजिए, पीछे से दाना चबाते खा लीजिए। मैंने 23 लोगों में इसका परीक्षण किया है, सबसे अच्छे परिणाम है डायबिटीज। अगर किसी को भी डायबिटीज है, आप उसको मेथी दाना देना शुरू कर दो, 3-4 महीने के बाद इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे सबसे अच्छे रिजल्ट हैं इसके, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पांव का दर्द, दर्दी दर्द, उसमें बहुत अच्छे परिणाम मेथी दाने के। तीसरा, भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं होना, उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम। और मैंने माताओं बहनों पर इसके बहुत परीक्षण किए हैं कि हमारे गर्भाशय की जितनी बीमारियां हैं उसमें सबसे अच्छे परिणाम इसी के हैं, मेथी दाने। जैसे हमारा मेंसेस साइकिल है, उससे जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, समय से नहीं आता, आता है तो देर तक चलता है, रक्त प्रवाह ज्यादा होता है या बिल्कुल नहीं होता है, पेट में बहुत दर्द होता है, चिड़चिड़ हो जाता है, मेनोपॉज पीरियड आया है, फ्लैशेज होते हैं, वो सभी समय की सबसे अच्छी दवा मेथी का दाना। मेथी दाना कैसे लेना? रात को गर्म पानी में डालना, सुबह उठकर पानी पीना, पीछे से दाना चबा के खाना। मैंने एक और रोग में इसको अभी देखा प्रयोग करके, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, ऐसा कई बार होता है और उन माताओं को जरूर होता है जिनका सिजेरियन ऑपरेशन हो गया, तो गर्भाशय हट गया तो ज्यादातर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको आप काट के निकाल दो। मेरा ऐसा मानना है कि काट के निकालने की जरूरत नहीं है, अगर वो बेकार होता तो भगवान ने दिया कि शरीर का कोई अंग बेकार नहीं है, काट के निकाल लीजिए, उसको ठीक करो, बीमारी है तो ठीक करो, उसकी सबसे अच्छी दवा यही है मेथी का दाना। अब मुझे समझ में आया, बचपन से मैं देखता हूं कि मेरे घर में और मेरे आसपास में जितनी भी माताओं को बच्चे होते थे तो मेरी दादी माँ सबको मेथी के लड्डू देके आती थी, अपने घर में बना के पड़ोसियों को देके आती थी, लोग मेथी के लड्डू खाओ तो। वो अब मेरे समझ में आया क्योंकि प्रसव होने के तुरंत बाद गर्भाशय को अपने स्थान पर वापस आने में जो समय लगता है, मेथी दाना वही काम करता है। इसलिए इस देश में गांव गांव में ये जानकारी लोगों को थी, बाद में वो कम हो गई जानकारी और उसके बाद हम दुखी हो गए। ये जानकारी फिर वापस लाइए अपने परिवार में, मेथी दाने का उपयोग बढ़ाइए। बात और कफ वाले तो इसको अमृत के समान समझे, इससे अच्छी उनको कोई दूसरी दवा नहीं हो सकती। वजन बहुत बढ़ गया है, मेथी दाना खाइए, वजन कम कर देगा। मात्रा मैंने बताया 2 चम्मच से ज्यादा नहीं, कभी भी एक दिन में 2 चम्मच से ज्यादा नहीं, सूखा मेथी दाना 2 चम्मच, 1 चम्मच भी ले सकते हैं शुरू में, क्योंकि तीखा है कड़वा है खाने में तकलीफ आएगी, तो शुरू में 1 ही चम्मच ले लीजिए, फिर आदत पड़ जाए तो बढ़ा दीजिए, 2 से ऊपर मत ले जाए। रक्त के जितने भी दूषण हैं उनकी सबसे अच्छी दवा है ये मेथी का दाना। फिर मत लीजिए, फिर मैं दूसरी दवा बताऊंगा। जिनको एसिडिटी और घुटने का दर्द है तो उनको अलग बताऊंगा, जिनको एसिडिटी छोड़कर जो कुछ भी है उनकी बात हो रही है, कफ और पित्त उसमें बात और कफ। अगर रक्त के दूषण है, रक्त की कई बीमारियां हैं, जैसे रक्त में कोई गंदगी है तो वो आपको चर्म रोग के रूप में दिखाई देगी, त्वचा रोग आ जाएंगे, फोड़े होना, पुंसी होना, पिंपल्स होना, मुहासे होना, वहां से हो गए तो काला काला हो जाना, ये सब रक्त की तकलीफें हैं, इसकी सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना। और कई बहनों को समय शुरू होने पर भी मेंसेस शुरू नहीं होता, अगर उनका उम्र आ गया है लेकिन नहीं हो रहा है, सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना।